अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास, केमिस्ट्री का हमारा लेक्चर नंबर 13 है। हम वेपर प्रेशर पढ़ रहे थे। आज हमने पढ़ना है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, फैक्टर्स दैट अफेक्ट द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। तीन फैक्टर्स हैं हमारे पास, नेचर ऑफ लिक्विड, साइज ऑफ मॉलिक्यूल एंड टेम्परेचर। पहले तीनों का जनरल देख लेते हैं। नेचर ऑफ लिक्विड किस बात पर डिपेंड करेगा कि लिक्विड पोलर है या नॉन पोलर है। साइज डिपेंड करेगा कि साइज़ छोटे हैं मॉलिक्यूल का या बड़ा। डेफिनेटली जो मॉलिक्यूल छोटे साइज़ के होंगे उनके लिए वेपोरेट करना ईजी है, तो उनका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। टेम्परेचर का तो डायरेक्ट रिलेशन होता है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा। अब डिटेल से स्टडी करते हैं नेचर ऑफ लिक्विड में क्या है। वेपर प्रेशर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ लिक्विड। पोलर लिक्विड्स हैव लो वेपर प्रेशर देन नॉन पोलर लिक्विड्स। दो तरह के लिक्विड्स, पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर लिक्विड्स का वेपर प्रेशर क्या होता है, कम। क्यों कम होता है? क्योंकि जो पोलर लिक्विड्स हैं उनके ऊपर पोलर मीन उनके ऊपर चार्ज होता है, और जिन चीज़ के जिन मॉलिक्यूल्स के ऊपर चार्ज हो, पार्शियल पॉजिटिव या नेगेटिव साइन हो, उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग। जब अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो उनके लिए वेपर बनना क्या है, मुश्किल है। अब वो वेपर नहीं बन सकते तो उनका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। नॉन पोलर के ऊपर साइन नहीं होते, अट्रैक्टिव फोर्सेस इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, उनके लिए वेपर्स बनना क्या है, ईजी, और उनका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा। दोबारा पढ़ते हैं, पोलर लिक्विड्स हैव लो वेपर प्रेशर। पोलर लिक्विड्स का लो, कम वेपर प्रेशर होता है देन नॉन पोलर लिक्विड्स एट द सेम टेम्परेचर। दिस इज बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज बिटवीन द पोलर मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड। जो पोलर लिक्विड्स हैं उनके ऊपर मैंने आपको बताया चार्ज होता है, साइन होता है, इसलिए उनके दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेज क्या होती है, स्ट्रॉन्ग, और उनके लिए वेपर्स बनना क्या होता है, मुश्किल। फॉर एग्जाम्पल वाटर, वाटर के ऊपर आपको पता है ना हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, और ये पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ही दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करते हैं। वाटर हैज़ लेस वेपर प्रेशर, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, लेस देन डैट ऑफ अल्कोहल एट सेम टेम्परेचर। अल्कोहल के अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होती हैं, वीक, लेकिन उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा। साइज ऑफ मॉलिक्यूल, स्मॉल साइज मॉलिक्यूल कैन ईजिली वेपोरेट देन बिग साइज मॉलिक्यूल्स, हैंड स्मॉल साइज मॉलिक्यूल लिक्विड एक्सर्ट मोर वेपर प्रेशर। मैंने आपको पहले बता दिया जो छोटे साइज के मॉलिक्यूल होते हैं उनके लिए ईजी होता है कि लिक्विड की सरफेस को छोड़कर वेपर बनाना, क्योंकि वो छोटे साइज के हैं, वो ईजिली से लिक्विड की सरफेस के सरफेस से निकल जाएंगे। लेकिन जो बड़े साइज के मॉलिक्यूल हैं उनको आस पास से इर्द गिर्द के मॉलिक्यूल से हिंड्रेंस ज़्यादा होगी, उनकी वेपर प्रेशर क्या होगा, कम। एग्जाम्पल दी हुई है, हेक्सेन C6H12 हैज अ स्मॉल साइज मॉलिक्यूल एज कम्पेयर टू डेकेन। जाहिर सी बात है इसमें 6 कार्बन है, ये छोटा होगा, ये 10 कार्बन वाला है, ये बड़ा होगा, तो ईजी किसके लिए होगा वेपर फेज में जाना, हेक्सेन के लिए। हेक्सेन का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, डेकेन का कम होगा। देयरफॉर C6H12 वेपोरेट रैपिडली एंड एक्सर्ट वेपर प्रेशर मोर देन C10H22। नेक्स्ट टेम्परेचर, टेम्परेचर का बहुत ईजी है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। इसकी रीज़न क्या है, टेम्परेचर आप देंगे उन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने से वो दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ जो उनकी फोर्सेज हैं उनको तोड़कर वेपर में चले जाएंगे, वेपर फॉर्म में। एट हाई टेम्परेचर वेपर प्रेशर इज़ हायर देन एट लो टेम्परेचर। एट एलिवेटेड टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। आपने एक तो फैक्टर का फैक्ट बताना है, दूसरा उसका रीज़न भी बताना है कि ऐसा क्यों है। जब इधर लिखा हुआ है हाई टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, नेक्स्ट उन्होंने उसकी रीज़न भी दी हुई है कि एट एलिवेटेड टेम्परेचर यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी वो मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, फिर क्या होगा, इनफ टू एनेबल देम टू वेपोरेट एंड एक्सर्ट प्रेशर। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, वो मॉलिक्यूल अपने इर्द गिर्द के मॉलिक्यूल से जो अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं वो ब्रेक करके वेपर फॉर्म में जाएंगे और प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वेपर प्रेशर वाटर एट डिफरेंट टेम्परेचर इज गिवन इन द टेबल 5.1। इस टेबल में उन्होंने टेबल में शो किया हुआ है कि टेम्परेचर ये देखिए इंक्रीज होने से वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। 60 पे 4 था, 80 पे 17.5 हो गया, 100 पे 55.3 हो गया। तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होने से टेम्परेचर इंक्रीज होने से वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। थैंक।